सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अमेजोन की लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। एंड चाहे आप तो 12th पास हो, फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। वो फुल डिटेल वीडियो रहेगा एंड वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी आप कैसे अमेजोन के असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर सकते हो एंड इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हो, राइट। सो फुल डिटेल वीडियो रहेगा, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अमेजोन की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं यहाँ पे एंड कैटेगरीज से यहाँ पे इसको फिल्टर भी किया गया हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से बहुत सारे जॉब लोकेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे कि आप यहाँ से इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा फुल वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब रोल्स हैं अमेजोन की, लाइक कस्टमर एसोसिएट हो गया, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जॉब रोल्स हैं अमेजोन की। तो अभी मैं बात करता हूँ कि आप एज अ फ्रेशर अगर आपने केवल 12th पास किया है, ठीक है, तो आप कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मैं जिस जॉब की बात करूँगा वो ये वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो वर्चुअल जैसे कि आप एज अ नेम इंडिकेट्स, ये पूरी तरीके से लाइक वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, वर्चुअली आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर्स, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए एंड गुड कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स होनी चाहिए आपके। सो शॉर्ट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो कस्टमर सर्विस प्रोफाइल है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो डैट आप इंग्लिश में या हिंदी में आप बात कर सको कस्टमर से अमेजोन के, सो तभी वो लोग आपको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या, एंड यहाँ पे आपको अगर डेस्कटॉप की यहाँ पे नॉलेज है एंड विंडो एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब छोटा मोटा अगर बेसिक अगर आपको आता है तो ये आपका एडवांटेज रहेगा, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे 10+2, यानी अगर आपने इंटर किया है केवल, ठीक है, तभी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एनी ग्रेजुएट और पीजी ऑल्सो कैन अप्लाई इन दिस जॉब, राइट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इस अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल गया आएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारी जॉब रोल्स यहाँ पे और भी हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके विजिट कर लेना। अगर आपको कस्टमर केयर प्रोफाइल पर नहीं जाना है, अगर आपको किसी दूसरे प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये तो लिंक वन हो गया, अब ये लिंक टू, मैं इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, राइट। सो अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये लिंक टू है गाइस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लिंक वन एंड लिंक टू मैं आप दोनों आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप सभी की हेल्प के लिए, ठीक है। तो पे आप देख सकते हो कि आप इसको भी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो एंड यहाँ पे भी कुछ लोकेशंस दी गई हैं, राइट। तो अभी आप बात करते हैं कि एज अ फ्रेशर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप किस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब हैं, तो सेलर पार्टनर एसोसिएट, सेलर पार्टनर सपोर्ट, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। या ऑन साइट रहेगा बैंगलोर, यानी वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो जॉब रोल है ना, सेलर पार्टनर एसोसिएट इन कर्नाटक, VCC, यानी वर्चुअल कस्टमर केयर, ठीक है। तो वो 2023, तो इस जॉब में आप अप्लाई करना, इसमें ये पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम रहेगा एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन दिस जॉब रोल, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, इंग्लिश हिंदी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे देखो आप इस क्लियरली मेंशन है कि बैचलर डिग्री विथ 0 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई इन दिस जॉब रोल, ठीक है। तो आप एज अ फ्रेशर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई यहाँ पे क्लिक करोगे आपका अप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी जॉब रोल्स हैं यहाँ पे निकली हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक टू एंड लिंक वन दोनों में आपको शेयर कर दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 100+ ओपनिंग्स हैं अमेजोन के लेटेस्ट, आप यहाँ पे चेकआउट करना एंड जो भी रोल आपके लिए रेलिवेंट रहेगा ना, तो उस जॉब में आप अप्लाई करना, राइट। अब बात करते हैं कि आप अमेजोन के असेसमेंट टेस्ट को कैसे क्लियर कर सकते यूट्यूब हो। बोलना, यूट्यूब बोलने के बाद प्रशांत टॉक्स, वो आपको सर्च करना है, ठीक है, मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप इन वीडियोज़ में अच्छा सपोर्ट भी दिखा रहे हो
एंड अच्छी तरीके से आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। सो अभी यहाँ पे आप देखना प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेज़ॉन की असेसमेंट टेस्ट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आप सभी लोगों के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट वीडियो है, इस फर्स्ट वीडियो को आप यहाँ पे देखना। ये जो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो है, हाउ टू क्रैक अमेज़ॉन असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में मैंने आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको शेयर किए आपके लिए कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है एंड क्या क्या चीज़ें करके आप अमेज़ॉन का असेसमेंट टेस्ट क्लियर कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है। लाइक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पूरी तो नहीं देख सकते हो आप, अगर देखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये राउंड वन एंड राउंड टू, इसको आप देखना, ठीक है। क्योंकि राउंड वन ये जो है राउंड टू आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि अमेज़ॉन में असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर आप इसमें देख इस वीडियो को देखते हो तो आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आप अमेज़ॉन के असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, राइट। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पे इसमें मैंने आपको समझाया कि हाउ टू अप्लाई अमेज़ॉन असेसमेंट टेस्ट परफेक्टली, क्योंकि आप बहुत बार अप्लाई करते हो लेकिन आपको टेस्ट का लिंक नहीं आता है, राइट। तो इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। लाइक मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इस राउंड वन एंड राउंड टू को भी आप यहाँ पे कंप्लीट देखना, ठीक है। तो आप जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अमेज़ॉन में क्या होता है कि मैंने अमेज़ॉन के बहुत सारे असेसमेंट टेस्ट दिए हैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न भी रिपीट होता है, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपकी ज़रूर आपको यहाँ पे हेल्प होगी, राइट। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वन एंड लिंक टू पेस्ट कर दिया है, साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। तो आप किसी जॉब में पहले अप्लाई करो एंड अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, आपको अमेज़ॉन का असेसमेंट टेस्ट का लिंक आएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। एंड उस असेसमेंट टेस्ट को आप 48 आवर्स में ही दे सकते हो, विद इन 48 आवर्स में आप उस असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद आपको इस प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको सारी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको अमेज़ॉन के असेसमेंट टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, आई होप। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखो एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मोर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।